वेलकम बैक टू माय चैनल विथंस और मैं हूँ अल्पा पुरी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने एक पैन लिया है और उसके साथ साथ घी है, तो ज़रूर हम घी से ही कोई रेसिपी बना रहे हैं। बट फ्रेंड्स, आज हम घी से बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो है ग्लूटेन फ्री भी है और आजकल नवरात्र चल रहा है तो ये नवरात्र में भी आप इसको बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो है ना ये इंटरेस्टिंग रेसिपी। एक्चुअली जब भी मेरे घर में इसका मैं नाम बताऊंगी तो आपको लगेगा ये, इसको आप गुड़ पापड़ी बोल सकते हैं या सुखड़ी बोल सकते हैं, है ना, जाना पहचाना नाम। मेरे घर में ये बहुत कॉमनली बनता है, बट जनरली ये बनता है जो नॉर्मल बनता है, आटे से बनता है, गेहूं का जो नॉर्मल आटा होता है उससे बनता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसको एक हेल्दी ट्विस्ट देते हैं और उसके साथ साथ इसको व्रत में भी हम खाए ऐसा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं यहाँ पे मैंने लिया है राजगरा का आटा, अमरनाथ फ्लोर भी कहते हैं इसको, वो ग्लूटेन फ्री होता है और वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। तो आज राजगरे के आटे से हम ये सुखड़ी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स में कुछ भी नहीं चाहिए, मेन हमें चाहिए घी, उसके साथ साथ मैंने लिया है राजगरा का आटा, गुड़ की जगह पे आप चाहो तो चीनी भी यूज़ कर सकते हो, बट ये गुड़ पापड़ी है तो मतलब कि गुड़ डलेगा इसमें, राइट। सो गुड़ लिया है मैंने और उसके साथ साथ गार्निशिंग के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें आप व्रत में इजीली खा सकते हो। सबसे पहले गैस चलाएंगे, तो बस मेरा गैस चल गया है और मैं अब इसको बनाने की शुरुआत करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पैन ले लिया है, पैन में घी है, इसमें घी बहुत केयरफुली ऐड करना है क्योंकि ये जो राजगरा का आटा है उसको बहुत ज़्यादा घी नहीं चाहिए, जब वो रोस्ट हो जाता है अच्छे से तो वो घी छोड़ने लगता है, तो इसीलिए घी बहुत ही मैंने कम इसमें लिया है। अभी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है और इसमें मैं एक और सीक्रेट इन्ग्रीडियंट ऐड करने वाली हूँ, जब मैं डालूँगी तभी मैं आपको बताऊँगी। तो इसमें हम अब ये हमारा जो आटा है उसको, राजगरा का आटा है उसको हमने ऐड कर दिया है। प्रपोर्शन आपने ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे 1.5 कप राजगरा का आटा लिया है तो उसके साथ 1/2 कप गुड़ लिया है, सॉरी 1 कप गुड़ लिया है, क्योंकि क्या होता है कि गुड़ उस पर गुड़ पे डिपेंड करता है। मेरा ये गुड़ है वो ऑर्गेनिक गुड़ है तो ये थोड़ा सा कम मीठा है, तो इसीलिए मैं अपने स्वीटनेस के हिसाब से मैंने इसको सेट किया है। तो 1 कप गुड़ है और 1.5 कप राजगरा का आटा है। अब हम इसको रोस्ट करेंगे, ये घी में हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक ये हल्का गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। आपको इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है जब रोस्ट हो रहा है ये, और जब ये रोस्ट हो जाएगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, और स्लो आंच पे इसको करना है। ये जल्दी से बनने वाला रेसिपी है तो ज़्यादा उसमें वो नहीं लगेगा आपको, बट हाँ छोटी छोटी चीज़ें तो ध्यान में रखनी है। अगर आप तेज आंच पे इसको करेंगे तो आपका जो ये आटा है वो ब्लैक हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं, जल जाएगा। तो इसको जलाना नहीं है, हमें इसको रोस्ट करना है। ये आटा रोस्ट हो रहा है और अब बारी है मेरे सीक्रेट इंग्रेडिएंट की। तो आप भी कई बार, आप में से कुछ लोग हैं जो घर में मक्खन बनाते होंगे, तो जब हम मक्खन बनाते हैं तो उसका जो घर में जब घी बनाते हैं मक्खन से तो उसका ये जो इसको किट्टू कहते हैं हम लोग गुजराती में, तो ये बच जाता है और इसमें बहुत सारा घी होता है, तो इसको वेस्ट करने के बदले मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको इसमें ऐड कर लूँ, तो ये मैं इसमें ऐड कर लिया है। इसका जो घी है वो सारा इसमें मिक्स हो जाएगा, इसमें हल्का सा खट्टापन रहता है बट वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है, बल्कि मुझे तो कई बार इससे ना जो ये मैं जब भी इवन नॉर्मल गुड़ पापड़ी भी बनाती हूँ तो लगता है कि उससे उसका जो टेक्सचर है वो ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो मतलब अच्छा लगता है मुझे वो टेक्सचर, तो मैं जनरली इसको गुड़ पापड़ी बनाने में यूज़ कर लेती हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा घी होता है तो इसीलिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन इसको यूज़ करने का और एक तरीका है, जब आप रोटी का आटा अपना कर रहे हैं रेडी तो उसमें भी आप थोड़ा थोड़ा डाल सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब रोटी में आप 1/2 चम्मच जितना ऐड कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डालने से फिर रोटी आपकी सही नहीं बनेगी, बट 1 चम्मच आप डाल सकते हो। अब हमें इसको रोस्ट करते रहना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर ना हो जाए और हल्का सा तब घी भी छूटने लगेगा इसमें से। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं मेरे को स्लो फ्लेम पे इसको सेकते सेकते, आप देख सकते हो अभी इसमें घी काफ़ी हद तक छूट गया है। फिर से मैं बताऊंगी, अगर आप इसमें वो जो घी का मैंने किट्टू डाला हो अगर नहीं डाल रहे हैं तो कम से कम 2 से 2.5 टेबल स्पून जितना अपने देसी घी इसमें यूज़ करना है, 1 ये 1.5 कप राजगरा के लिए।
किसी स्टेज पे अगर आपको लगता है ये चलाते हुए कि घी थोड़ा सा कम है, तो आप घी बीच में भी ऐड कर सकते हैं। जब आप चलाते हैं तब आपको आइडिया आ जाता है, इजीली ये भूनने लगता है। और ये आप देख सकते हो हल्का सा ये चिपक भी रहा है, मतलब कि चिपक इन द सेंस थोड़ा सा वाटरी भी ये हो रहा है। जैसे पहले एकदम सूखा आटा था, अब ये आटे में ये घी आ गया है तो ये थोड़ा सा वाटरी होने लगा है घी की वजह से। तो ऐसा टेक्सचर ही चाहिए जब आप इसमें घी ऐड करते हो, इतना घी आपका होना चाहिए ताकि आप इजीली इसको भून पाए। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, ये जब भून जाता है आटा तो यही उसका एक्चुअली जो हम कहते हैं कि कभी पता चलता है, तो आपको पूरे घर में इसकी खुशबू आने लगेगी कि आटा अच्छे से रोस्ट हो गया है और हल्का सा ये गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। इसमें हमने किट्टू भी डाला है इसीलिए इसका कलर थोड़ा सा वैसा हुआ है, बट नहीं तो भी ये गोल्डन ब्राउन कलर हो जाना चाहिए उतनी देर तक हमें इसको भूनना है। और ये गुड़ पापड़ी है तो इसमें आप गुड़ ही ऐड करिए, तभी ये आपको खाने में भी अच्छा लगेगा। ये मेरे पास अब गुड़ है, मैं इसी स्टेज पे ये गुड़ इसमें ऐड कर दूंगी। स्लो फ्लेम कर दिया है मैंने इस टाइम पे, ये ऑर्गेनिक गुड़ है फ्रेंड्स और पाउडर फॉर्म में है। अगर ये नहीं है तो आप नॉर्मल गुड़ भी चॉप करके इसमें ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और गैस मैंने अभी स्लो पे रखी है, अच्छे से मैं इसको मिक्स करूंगी। कोई भी इसमें ये लम्स है गुड़ के वो रहने नहीं चाहिए, वो हम जब इसको चलाते हैं तो एकदम ही हमें इन गुड़ को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है ताकि ये सारे ही लम्स जो है वो इसमें से निकल जाए। आपने ये ध्यान रखना है कि गैस स्लो पे होना चाहिए और जैसे ही गुड़ आपका मिक्स हो जाता है आपने तुरंत ही गैस को बंद कर देना है, नहीं तो ये जो आपकी गुड़ पापड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा कड़क हो जाएगी। हमें ये कड़क नहीं करनी है इसीलिए हमने इसको स्लो आंच पे हम कर रहे हैं। और अब मैं इसकी गैस बंद कर दूंगी क्योंकि मेरे को लग रहा है कि जितने भी लम्स हैं वो अच्छे से गुड़ के इसमें से निकल गएंगे। तो बस ये हमारी रेडी है, मैंने एक प्लेट ले ली है और उसको घी से ग्रीस कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मिक्सर है रेडी उसको हम उसमें स्प्रेड कर देंगे उस प्लेट में। गैस मैंने बंद कर दी है, सारे ही लम्स जो है वो निकल गए हैं, गुड़ अच्छे से मिक्स हो गया है। तो ये हमारी जो सुखड़ी है राजगरा की जो गुड़ पापड़ी है वो रेडी है। अब आप देख रहे हो घी से मैंने ग्रीस किया हुआ है इसको, ये थाली है और इसमें जो ये मेरा अब मिक्सर है मैं उसको ऐड कर दूंगी। जैसे मैंने कहा राजगरा है तो अभी से इसमें घी बहुत सारा लग रहा है, हमने थोड़ा सा ही घी ऐड किया है तो ये बहुत ही कम घी में बनने वाला टेस्टी, आप व्रत में भी खा सके ऐसा हेल्दी आपका एक स्वीट डिश तैयार हो गया है जिसको आप गिल्ट फ्री होके खा सकते हैं। ऑफकोर्स कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा खाओगे तो प्रॉब्लम है, बट आप इसको एक पीस खा सकते हो दिन में एक बार। और हाँ, पीस बहुत ज़्यादा ऑफकोर्स बड़ा नहीं होना चाहिए, तो वही आपने देखना है कि आप कैसे इसको पोर्शंस में कंट्रोल करके खाते हैं। ये मैंने अच्छे से इसको स्प्रेड कर दिया है फ्रेंड्स, अब इस प्लेट में ये आप देख सकते हैं मैं इसको घुमा घुमा के ऐसे इस वुडन स्पून की हेल्प से कैसे मैंने इसको स्प्रेड किया है इसमें। अब मेरे पास कुछ आलमंड्स है जिसको मैं ले लूँगी, चाहो तो इसमें आप कैश्यू पाउडर भी ऐड कर सकते हो, आलमंड फ्लोर भी ऐड कर सकते हो। मैं इसमें ये आलमंड सारा डाल के इसको गार्निश कर लेती हूँ और इसको हम हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे ताकि ये अंदर अच्छे से बैठ जाए। तो ये हेल्दी सुखड़ी आपकी व्रत में खाने वाली बिल्कुल रेडी है, आप इसको एंजॉय करिए। हाँ, ये जब गर्म है उसी टाइम इसके हम पीस कर लेंगे, तो वो भी मैं आपको करके बता रही हूँ। पहले ये मैं जो मेरे आलमंड्स है उसको मैंने कूट लिया था इमाम दस्ते से, आप चाहो तो चॉपिंग भी कर सकते हो। तो उसको मैंने अच्छे से प्रेस कर दिया है ताकि ये निकले नहीं। अब एक नाइफ की हेल्प से हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। ये जब गर्म होगा उसी टाइम हमें कर देना है, ठंडा हो जाएगा तो फिर ये ब्रेक होने लगेगा, इसीलिए जरूरी है कि जब आप गर्म है उसी टाइम इसको आप पीसीस में काट लीजिए।
तो फ्रेंड्स देखा ना आपने, हमने घी का किटू भी इस्तेमाल कर लिया और व्रत के लिए ग्लूटेन फ्री एक हमारा नाश्ता भी रेडी हो गया। स्वीट डिश बल्कि रेडी हो गई है, आप इसको एंजॉय करिए जब चाहिए और इसको जरूर आप बना के ट्राई करिए और मुझे बताइए आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर एक रेसिपी के साथ जल्दी मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, हैप्पी कुकिंग। आई एम अल्पा पुरी साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।